एंड वेलकम टू रेस्टोरेंट चैनल। मैं हूं ज्योति और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप शाही भिंडी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। शाही भिंडी बनाने के लिए हमें चाहिए भिंडी। भिंडी को मैंने छोटे छोटे साइज में काट लिया है। एक बड़ा कटा हुआ प्याज, मसाला, मसालों में मैंने लिया है जीरा, अदरक, लहसुन और लाल मिर्च का मैंने ग्राइंडर में अच्छे से पेस्ट बना लिया है, दही, काजू का पेस्ट, चाट मसाला, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। अब सबसे पहले हम कढ़ाई में लेंगे तेल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैंने राइस ब्रेन ऑयल का यूज़ किया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें भिंडी को डाल देंगे। हमें भिंडी को डीप फ्राई करना है। इसे अब इस तरह से चला लेंगे। भिंडी को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं भिंडी का कलर गोल्डन कलर का हो चुका है। अब हम सारे भिंडी को टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे ताकि इसमें से जो एक्सेस ऑयल है वो बाहर निकल जाए। इसी तरह हम बाकी बची भिंडियों को भी डीप फ्राई कर लेंगे। अब हम इन सारे भिंडियों को भी टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई से ऑयल को कम कर लेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में प्याज डालेंगे, इसे गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन कलर का हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। और अब डालेंगे मसाले का पेस्ट। अब मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसाला अच्छे से भून जाए तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही, काजू का पेस्ट और चाट मसाला। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट और अच्छे से भून लेंगे। जब मसाला भून जाए तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और जब ये बॉईल होने लगे तब हम इसमें डाल देंगे सारे भिंडी को। अब बारी आती है इसमें नमक डालने की। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट पकाना है। हमारी शाही भिंडी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने थोड़े से गाजर और क्रीम से इसे गार्निश कर दिया है। शाही भिंडी का स्वाद खाने में बहुत ही अच्छा आता है। आप इसे ट्राई जरूर करें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।